आज की वीडियो बनाने का मेन रीजन है आप लोगों को बताना कि आप एग्स, मटन, चिकन, फिश वगैरह इजीली खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह से बर्ड फ्लू से घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आपके चिकन, एग्स वगैरह ठीक से फ्राइड, बॉइल्ड या फिर कुक्ड हो। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो बर्ड फ्लू का वायरस है वो 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से आप इजीली इन सब चीज़ों को कुक करके खा सकते हो। रनी एग्स, हाफ बॉइल्ड एग्स, ये सारी चीज़ें इस मौसम में अवॉइड करो। व्हाट्सअप गाइज, दिस इज विनय एंड वेलकम बैक टू माई चैनल मसल एंड न्यूट्रिशन। आज बात करने वाले हैं बर्ड फ्लू वायरस के बारे में। कुछ दिनों से मैं न्यूज़ देख रहा था और मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर। स्टेट्स जैसे कि राजस्थान, MP, हिमाचल प्रदेश, UP, हरियाणा, गुजरात, केरला, इन सारे स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा केसेस आजकल रिपोर्ट हो रहे हैं। अचानक से बर्ड्स के मरने की खबरें आ रही थी और जब सैंपल्स को भोपाल की लेबोरेटरी में टेस्ट किया है तो उन्होंने पाया कि इन सारे बर्ड्स का मरने का रीज़न है H5N8 वायरस, जो कि पुराने वाले H5N1 वायरस का एक लेटेस्ट न्यू एडवांस्ड सब टाइप है। तो आज बात करेंगे कि ये वायरस हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है और इस मौसम में हमें कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस तरह से हमें डील करना चाहिए इस वायरस से, और साथ में क्या हम अभी एग्स, चिकन, मटन, फिश और पॉर्क वगैरह चीज़ें खा सकते हैं सेफली। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि ये वायरस कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। जैसे कि कोरोना वायरस का मॉर्टेलिटी रेट कुछ 1 या 2% के आसपास है, वैसे ही इस वायरस का मॉर्टेलिटी रेट 60% के आसपास है, यानी कि ये कोरोना वायरस से काफ़ी ज़्यादा डेंजरस वायरस है। लेकिन ये वायरस ह्यूमंस टू ह्यूमंस नहीं फैलता जैसे कि कोरोना वायरस फैलता था, और ये वायरस सिर्फ एनिमल्स या बर्ड्स से ह्यूमंस तक फैल सकता है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि जब आप कभी भी चिकन वगैरह परचेस कर रहे हो तो आप ग्लव्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, ताकि अगर बाई चांस उस चिकन में वायरस हो तो उससे आप इन्फेक्ट ना हो। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप चिकन वगैरह वॉश कर रहे हो तो तभी भी आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हो। वैसे तो कुकिंग के समय सारा का सारा वायरस किल हो जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वॉशिंग करते समय आपको ग्लव्स वगैरह थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह से बचने के लिए यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। सिम्टम्स इसके सेम वैसे ही होंगे जैसे बाकी किसी नॉर्मल फ्लू वायरस के होते हैं, जैसे कि कफ, फीवर, बॉडी पेन या फिर कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है एडवांस स्टेज पे। इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है ऑलरेडी, तो कोई घबराने वाली ऐसी बात नहीं है। मेडिसन्स भी हैं इसको ट्रीट करने के लिए, जैसे कि टेम्यूफ्लू, रेलेंजा, ये सारी एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो दी जाती हैं इन्फेक्शन के 24 आवर्स के अंदर। अगर आपको भी कोई नॉर्मल फ्लू के, फीवर के ऐसे कोई सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप एक बार कन्फर्मेशन के लिए टेस्ट करवा सकते हो। सेम जैसे कोरोना वायरस का टेस्ट होता है, इसका टेस्ट भी सेम वैसे ही होगा, RT-PCR टेस्ट। उसमें आपके ब्लड, म्यूकस वगैरह ले सकते हैं वो लोग, 24 से 48 आवर्स के अंदर आपको उसके रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशंस भी दबा दो, ताकि इसी तरह का लेटेस्ट कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर 11 सपोर्ट। स्टे स्ट्रांग, स्टे हेल्दी।